गंदा काम करता है, लड़का होकर गंदा काम करता है, लड़की बन के फोन पर बात करता है, दूसरा फंसाता है, ये फ्रॉड काम करता है पूरा, फंस जाएगा इसमें, मरान जाएगा कहीं। कि लड़की की लड़का का माँ है, जो लड़का जो फ्रॉड करता है उनका माँ से हम लोग बात कर रहे हैं। और देख सकते हैं साथियों, ये लड़का के पास जो है अभी जांच किया जा रहा है, मैजिक हलचल मैजिक वर्ल्ड वाले देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके पास में लड़की का सारा औजार निकल रहा है, जो भी मेकअप है। और यही लड़का है जो लड़की के नाम से जो है फ्रॉड करता है। आज ये पकड़ाया है, जमुई में है, हलचल मैजिक वर्ल्ड में वाले जो भी यहाँ के कलाकार लोग थे वो इनको पकड़ लिया। ये नाम पे जो लड़की के नाम पे लड़का का आवाज में जो है किस तरीके से लोगों को लूटता है, फंसाया जाता है, वो मामला जो आज सामने है। देख सकते हैं कि यही लड़का है और इन्होंने ही मेरे पास कॉल किया था कि हमको गायकी का काम सीखना है। और ये लड़का लड़की के नाम पे बात कर रहा था, तो इनको जो है हम लोग जो है हलचल म्यूजिक वर्ल्ड के पास में यहाँ पे सीखने के लिए दिए थे। तो यहाँ पे पता चला कि ये लड़का जो है लड़की के नाम से बात करता है, ये सीखने के लिए नहीं आया, यहाँ पे कुछ दिन रहता है। यहाँ पे जो है आशीष जी का फैन बताया, मगी गायक आशीष जी का बहुत बड़े फैन है और ये एक लड़का है। लेकिन लड़की के आवाज में हमको कॉल किया कि भैया हम बहुत ज्यादा परेशान है, हमको गायकी लाइन में जाना है, हम कई जगह मैंने ट्राई भी किया, वहाँ पे हमको बेच दिया गया। तो मैंने इनका बोले कि ठीक है, अगर तुम सीखना चाहते हो कलाकार तो ठीक है आ जाओ, जम्मू जिला में एक हलचल म्यूजिक वर्ल्ड है, आप वहाँ पे अगर सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। फिर ये लड़का ने कहा कि नहीं, हम मेरा भाई सीखेगा। लड़का यही था बोल रहा था मैं मेरा भाई सीखेगा, सिर्फ मेरा भाई को सीखने दीजिए। इसके बाद में हम एक साल के बाद जो हम दिव्या के नाम से ये बात करता था। ये लड़का किसके नाम पे तुम बात करता था बाबू, थोड़ा सा जानकारी दो। ये लड़का दिव्या कुमारी इनका नाम ही बता रहा था। इनका आवाज भी है जो है लड़की का ही आवाज है, वो लड़की के आवाज में जो है लड़कों से ये बात करता है और उनके साथ आगे क्या करता है तो यही बताएगा आगे तुमको। और आगे के तुम किस वजह से तुम लड़की के आवाज में बात किया था? जल्दी काम हो जाए। मैंने इनका कोई प्रियंका नाम के कौन था प्रियंका, इनके गांव का कोई प्रियंका थी जो इनको सिखाया था कि तुम लड़की के आवाज में बात करो तो तुमको काम मिल जाएगा। इसलिए करके ये लड़की के आवाज में जो है हर स्टूडियो वाले से बात करते थे, हर मीडिया वाले से बात करते थे और हम लोग को भी पता नहीं चलता था कि कौन बात कर रहा है नहीं कर रहा। जब ये मामला ये सामने आया कि इनके पास में जो है कई ज्यादा जो है इनके मोबाइल में अलाय बहुत अलग अलग फोटो है, बहुत तरीके के इनके पास में कॉल आता है, अलग अलग एरिया से इनके पास में कॉल आ रहा है, तो इससे पता चला कि ये लड़का जो है मैंने इनका गैंग है क्या है, ये तो अभी तक हमको कोई क्लियर समझ में नहीं आ रहा। हम वो जानकारी लेने का हम कोशिश कर रहे हैं। बाबू तुम जो है ये सब क्षेत्र में कितने दिन सस्ता चाहिए बताओ, ये कैमरा 12 दिन, इससे पहले तुम 12 दिन से ये सब काम कर रहे हो, इससे पहले क्या करते थे? अभी तक जो है ना तो ये अपना माता पिता का नाम बता रहे, ना तो माता पिता से अभी तक ये बात कर पाए। तो हलचल म्यूजिक वर्ल्ड वाले जो है भीम अलवेला जी जो है यहाँ के जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने इनको पकड़ लिया कि ये लड़का सही ढंग से एड्रेस नहीं दे रहा, कैसे हम इनको सिखा सके, और उन्होंने ही इनको पकड़ा है और अभी अपने ये स्टूडियो में रखे हुए हैं और सारा विस्तार जानकारी हम लोग बच्चे के माध्यम से लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो बाबू तुम लोग को ये लगता था नहीं कि हम लोग जो अगर किसी को बेवकूफ बना रहे हैं तो कितना दिन तक बेवकूफ बनाओगे? तुम अपने बताया, तुम अपने बता दिया कि तुमको पकड़ा तब तुम बताया? हम बताने वाले थे, आज बताते हैं, आज पकड़। मैंने ये लड़का को जब पकड़ लिया गया कि भले ये लड़का फ्रॉड है, ये लड़की के नाम पे, यही लड़की दिव्या के नाम से जो बात कर रहा था, तो इनको जो है हलचल म्यूजिक वर्ल्ड वाले जो है ये भीम अलवेला जी नाम है, उन्होंने इनको जो है पूरा क्लियर पकड़ लिया कि भैया ये जो है सीखने नहीं आया, ये फ्रॉड लड़का है, यहाँ पे स्टूडियो से कुछ लेके भाग जाएगा, हम इनको यहाँ पे नहीं सिखाएंगे। तो क्लियर जब इनके पास में हम लोग अभी ही है, तो रात में भी हम इनके पास ही रहे थे, सारा डिटेल जब हम जानकारी दिए थे इनके पास जो है 12 बजे 1 बजे रात तक जो है इनको अलग अलग महिला लोग कॉल करते हैं, अलग अलग मैंने पुरुष लोग भी कॉल करते हैं जिनके साथ की ये घटना की है। कई लोगों ने इनके बारे में ये बोल रहे हैं कि मेरा लड़की को बेच दिया है, इनको कहाँ का है ये सही जगह नहीं बता रहे हैं। तो सारा जानकारी हम लोग और जो है यहाँ के जो डायरेक्टर जी हैं जो भीम अलवेला जी, उनसे हम लोग खास जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। जमुई जिला में थे, जमुई जिला भीम भैया जब ये जानकारी रहती है तो बेटा है कि अपना
ये पूछा है कि एक तरह बैठा है क्यों अपना बता। मतलब तेरा बेटा छिकिया अपने हम ये पूछा लिखो जल्दी। तो साथियों देख सकते हैं कि इनका जो है माता पिता से बात हुआ है वीडियो कॉलिंग। देख सकते हैं इनका माता जो है वीडियो कॉलिंग पे है, वो हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो है भाई फाइ करके ये गोटा झारखंड का था ये लड़का जो फर्जी करके यहाँ पे आया था, इनको छोड़ दिया जा रहा है, ये बैठा दिए। देख सकते हैं कि सारा रिकॉर्ड के साथ है, इनका माँ जो है वीडियो कॉलिंग में है और इनको छोड़ा जा रहा है, वो तो चढ़ा दिया गया है देख सकते हैं, और ये अपना घर जाएगा।